Never miss a moment of 2014 FIFA World Cup. I, me and my live sports dot in, simply sportainment. एक बार फिर से सोच लीजिए, क्या ये फैसला लेना सही रहेगा? अपनी बेटी से उसके डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाना कहाँ की बात है सुनैना, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। मैं मधु के हालात तो नहीं सुधार सकता हूँ, लेकिन अर्ना वो आदित्य के हालात बिगड़ने से तो बचा सकता हूँ। तुमने समायरा से बात की इसके बारे में? मैंने समायरा से तो बात की है, उसने कहा कि एक बार उसके डैड से बात कर लिया जाए, अगर उसके डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे भी कोई एतराज नहीं है इस शादी से। खोलो। कहाँ ले जा रहे? डॉक्टर साहब के कैबिन में। तुम्हारे घर वाले आए हैं तुमसे मिलने। मेरे घर वाले आए तुमसे मिलने। मेरे घर मुझे घर ले जाइए। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें जरूर घर ले जाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम? पेपर साइन कर दो। क्या है इन पेपर्स में डैड? डिवोर्स पेपर्स। के लिए कह रहे हैं। मैं आपकी बेटी हूं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड? बेटा प्लीज साइन कर दो, मैं ये सब कुछ अर्णव के लिए कर रहा हूं। अगर अर्णव की इतनी चिंता है तो मुझे बाहर क्यों नहीं ले जाते? दादा को समझ में क्यों नहीं आता डैड? आदि ये सब कर रहा है क्योंकि वो मुझसे छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि वो समायरा, वो उस शिखा से प्यार करता है। बेटा आदित्य का इसमें कोई हाथ नहीं, उसने तो मना किया था, मजबूरन मुझे करना पड़ रहा है, और इसी में हम सबकी भलाई है। अरे इसमें तो बस आदित्य और शिखा की भलाई है, वो आपके हाथों से आपकी बेटी की कब्र खुदवा रहा है और आपको दिखाई नहीं दे रहा। अरे बेटी बहस मत करो, प्लीज साइन कर दो। नहीं करूंगी। आप लोग का तो दिमाग खराब हो चुका है और मुझे पागल समझते हैं। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, छोड़ो मुझे, जाने दो। बेटा बात मान लो मेरी, प्लीज साइन कर दो। नहीं करूंगी मैं साइन, कभी नहीं करूंगी। पहली बार अपनी आंखों से देख रही हूँ एक बाप को जब अपनी बेटी की जिंदगी को तबाह करने पर तुला हुआ है। ऐसी बात नहीं है मधु,
समझने की कोशिश कर। Just shut up! आज मेरी माँ होती तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होने देती। प्लीज मुझे जाने दो। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? जाने दो, जाने दो, प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो, मैं दो। जगन्नाथ मुबारक हो। जिस पति से इतनी नफरत करती हो उसे तुमने आज खुद तलाक दे दिया। वैसे इस छोटे से अंगूठे में बहुत ताकत होती है, नहीं? वैसे बहुत बड़ी बेवकूफ हो तुम। अगर उस दिन आदित्य के कहने पर डिवोर्स दे देती तो आज कम से कम यहां से बाहर तो निकल पाती। लेकिन नहीं, मधुरिमा जगन्नाथ को तो हमेशा अपने मन की करनी, तो कर अपनी अपनी किस्मत। अब बैठ के सड़ो यहां पर और हर रोज अपनी जिंदगी का तमाशा बनते देखो। हर रोज ये पछतावा करो कि काश मैंने शिखा गुप्ता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न किया। डैड, मॉम आप सुबह सुबह कहाँ गए थे? एक जरूरी काम पूरा करना था। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आदित्य जी, डैड पूछोगे नहीं कि क्या जरूरी काम पूरा करके आए हैं? क्या डैड? इस पर तो मधु का अंगूठा भी लगा है। वो इस पर साइन करने के लिए राजी नहीं थी, इसलिए जबरदस्ती उसका अंगूठा लगवाना पड़ा। इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी बेटा, वरना उसको बिना मां के इस हाल में देखा नहीं जाता। डैड, इस तरह जबरदस्ती करके भैड़ी का क्या हाल हुआ होगा? वो तो जैसे चीते जी मर गई होगी डैड। और कोई रास्ता नहीं बचा था आदित्य, मधु को समझाना नामुमकिन था, इसलिए मजबूरन
मुझे अपने हाथों ये पाप करना पड़ा। संभालो अपने आप को। फिलहाल आप हालात के नहीं बल्कि मेरे इशारों पर नाच रहे हैं। Really ना? तुम्हारा मतलब है कि हमारे इशारों पे नाच रहे हैं, right? Absolutely right. अब ये बताइए मैडम, मिस तमारा से आप मिसेज आदित्य का बन रही है? कब लाऊं बारात? शिखा, ये शादी नहीं हो सकती। पर मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनूं मैं शिखा? हैं? क्या सुनूं? ये कि मैं तेरी शादी उस आदमी से करने के लिए तैयार हो जाऊं जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद की, जिसने तुझे मौत के मुंह में धकेला। शिखा, ये कौन सा तरीका बदला लेने का? शिखा, पापा आपको लगता है मैं ये शादी करना चाहती हूँ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं? चीजें ऐसे मोड़ पे आके खड़ी होगी कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे सिर्फ अपना मानव वापस चाहिए और कुछ नहीं। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मिस्टर मोहन तो मानव से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो कभी भी मानव को अपने से अलग नहीं होने देंगे। लेकिन अगर मैं आदित्य से शादी करके उसकी पत्नी बन जाती हूँ तो मैं मानव को लीगली अडॉप्ट कर पाऊंगी। मैं अपने बच्चे को अपने अपने पास ला पाऊंगी। पापा, आपको अपनी शिखा पे भरोसा है तो विश्वास करिए मेरा, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपको या मम्मी को शर्मिंदा होना पड़े। मुझे सिर्फ अपना बच्चा वापस चाहिए पापा। और वैसे भी इस शादी से मेरा एक और मकसद पूरा होगा। क्या? बेटिया कोई भी नहीं है, किसकी बात कर रही हो? What? शिखा, 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 गाड़ी में। बेटिया तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? कोई भी नहीं है। होश में आओ मधु। अभी तक तुम्हें शिखा गुप्ता का भूत नजर आ रहा था, अभी तुम्हें शिखा गुप्ता जिंदा नजर आ रही है। घबराओ मत, तुम्हें शिखा का भूत नहीं मारेगा, क्योंकि शिखा गुप्ता कभी मरी ही नहीं। ये लो खाना खा लो। खाना खा लो। ये क्या हुआ? लगता है फिर कोई पागल भाग गया। विश्वास नहीं होता है कि मैंने खुद डिवोर्स देने पर मजबूर किया। किस्मत के आगे किसी की चली है।
प्लीज अपना दिल छोटा मत कीजिए। आपने जो कुछ भी किया वो करना जरूरी था। अर्णव के भलाई के लिए हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। क्या कर सकते थे? मेरे ख्याल से हमें समायरा के डैड से इस रिश्ते के बारे में बात कर लेनी चाहिए। कौन है? कौन है? इधर उधर क्या देख रही हो? वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। कौन मैं? अरे मैं हूं, मुझे सब ढूंढ रहे हैं। कहां कहां से रोज नए पागल आकर बैठ जाते हैं हमारे सिर पर। किसने अपनी बीवी का मर्डर किया है तो जेल जाना चाहिए ना। लेकिन नहीं, जज साहब कहते हैं कि ये पागल है, पागल खाने ही जाएगा। Congratulations, would be Mrs. Samara Aditya Jagannath. Thank you so much. वैसे अब आप जगन्नाथ नहीं रहे, सिर्फ आदित्य। ओ, इतने सालों से जगन्नाथ नाम सुनने की आदत पड़ गई होगी ना। कोई बात नहीं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे सेठ नाम सुनने की आदत पड़ जाएगी वैसे जगन्नाथ को भूल जाओगे, है ना? Really? Very funny. असाइलम से मधु के डॉक्टर का फोन है। हेलो। हाँ डॉक्टर, सब ठीक है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मधु ने फिर से भागने की कोशिश की क्या? जी नहीं, वो तो अपने वार्ड में ही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कल सीनियर डॉक्टर हॉस्पिटल में आ रहा है सारे पेशेंट्स का चेकअप करने। तो प्रॉब्लम क्या है? आप कैसी बात कर रही हैं? मधु कोई पागल नहीं है। उसको पागल हम लोगों ने बनाया दुनिया के सामने, सेडेटिव्स और जाने क्या क्या दवाइयां देकर। और कल मैं उनको वो दवाइयां नहीं दे पाऊंगा। कहीं जांच करते वक्त सीनियर डॉक्टर को पता चल गया कि मधु को हम पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं तो फंस जाऊंगा। कुछ करिए प्लीज।
जी जी डॉक्टर, आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। मधु के डॉक्टर का फोन था, कह रहा था असाइलम में कोई सीनियर डॉक्टर आ रहा है पेशेंट्स को चेक करने के लिए। अगर उसे पता चल गया कि मधुरिमा वाकई में पागल नहीं है तो तुम इतनी सी बात से घबरा रही हो? डॉक्टर ही है ना, जैसे पहले वाले डॉक्टर को खरीदा था वैसे इस डॉक्टर को भी खरीद लेंगे। पैसे में बहुत ताकत होती है समारा, बस प्यार को छोड़ के इससे कुछ भी खरीदा जा सकता है, राइट? मधु पागल नहीं है, ये सच किसी भी कीमत पे बाहर नहीं आना चाहिए, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।